ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी जस्ट डिस्कस सम फंक्शंस रिलेटेड विद द स्ट्रिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई जस्ट ओपन माय जुपिटर एंड देन माय ब्राउजिंग. आफ्टर देन आई जस्ट सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, टुक पाइथन 3. स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं, इसमें हम लोगों ने प्रीवियसली कई टॉपिक्स पढ़ी हुई थी. आज जो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे वो फंक्शन होगा रिप्लेस का. तो हैशटैग रिप्लेस लगा देते हैं. ओके, इस फंक्शन को हम लोग आज पढ़ेंगे. रिप्लेस फंक्शन, जैसा कि नाम से ही एकदम क्लियर हो गया कि रिप्लेस करेगा वैल्यू को, तो किस तरह से इसको रिप्लेस करना है, इसके लिए हमको एक स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करनी होगी. तो कोई भी एक स्ट्रिंग यहाँ पे आप अपने से ले सकते हो. हेलो वर्ल्ड यूजिंग पाइथन. ओके, तो ये हमने लिया और इसमें हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे और बताएंगे कि कौन से ऑप्शन, कौन से स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है. तो यहाँ रिप्लेस फंक्शन हम चालू करेंगे. देन यहाँ वर्ल्ड, इस ऑप्शन को हम रिप्लेस करेंगे, कैपिटल में कर देते हैं. ओके, एंड आफ्टर देन क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे. आप देखो, हेलो वर्ल्ड यूजिंग पाइथन आ रहा था जिसको हमने रिप्लेस कराया कैपिटल लेटर से, और यहाँ पे जो हमको स्ट्रिंग में रिप्लेसिंग मिला वो कैपिटल लेटर का मिल गया. ओके, नाउ देन आगे चलते हैं और दूसरे फंक्शंस पे काम करेंगे. तो जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो ज्वाइन का है, तो यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन जो है वो यूज करना है. ठीक, अभी ज्वाइन में क्या करना होता है कि हमको अपने स्ट्रिंग में किसी लेटर को ज्वाइन कराना होता है, तो उसको हमको यहाँ पे बताना होता है. तो सपोज कि हमको ये स्टार साइन जो है वो ज्वाइन कराना है, तो स्टार डॉट ज्वाइन फंक्शन आपको लगाना है. आपको अपनी स्ट्रिंग बतानी है कि कौन सी स्ट्रिंग है जिसमें आपको ये काम करना है. तो आप सपोज कर लो आपने हेलो यूज़ किया है, तो आप उसी के अंदर इस पर काम कर लो. ठीक ना, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार जो है वो ज्वाइन किया हेलो पे, और इस तरीके से आपको ये मिल गया. इन सेंस अगर आपको दो अलग अलग स्ट्रिंग्स के बीच में, अब यहाँ पे तो चूंकि हर एक लेटर के बाद ये स्टार साइन लग गया, और आप चाह रहे थे कि ऐसा हो कि हेलो के बाद आपका स्टार साइन लगे उसके बाद फिर नेक्स्ट लेटर आता, तो आपको क्या करना था, सिंपली आप अपने स्टार साइन को ले लीजिए, ज्वाइन कराइए. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने स्ट्रिंग्स को लिस्ट करना है. तो ये देखिए बिग ब्रैकेट्स हमने यूज किया और हेलो ये लिखा, कॉमा, नेक्स्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं लिस्ट, हेलो लिस्ट. ओके, और इसको रन करा के देखते हैं. तो देखिए आप हेलो स्टार लिस्ट है ना, अभी इसी के आगे यहाँ पे कुछ और भी लिखे होते तो उसके साथ भी ये ज्वाइनिंग होती. ओके, तो हेलो स्टार लिस्ट स्टार पाइथन. ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है. यहाँ पे स्टार साइन एक है, आप अगर एक से ज़्यादा कर लोगे तो आपको रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा है ना. तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मी लिख देते हैं. ठीक है, आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है हेलो मी लिस्ट मी पाइथन. ओके, इसमें हेलो मी लिस्ट मी पाइथन है ना. तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज्वाइन करा जाएगा, और आपको एक बढ़िया स्ट्रिंग जो है वो मिलेगी
है ना। तो ये एक ज्वाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट था, तो अपने ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अब इसके साथ हम लोग जो नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो स्प्लिट का है, तो स्प्लिट फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्प्लिटिंग, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर होता है कि स्प्लिट्स जो है वो क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को तोड़ता है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने स्ट्रिंग्स देने होंगे। जैसे हमने लिखा आई लव पाइथन, ओके, तो ये आई लव पाइथन है, ये मेरे स्ट्रिंग है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको हमको तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़ना है तो क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे, और स्प्लिट फंक्शन यूज़ करने पे ये जो है वो ब्रेक होगा। और कैसे ब्रेक होगा, आप देखो ये एक स्ट्रिंग थी और इसकी दो लिस्टिंग बन गई यहाँ पे, एक लिस्ट लिस्ट में यहाँ तीन लिस्ट बना हुआ है। ठीक ना, मतलब एक ही लिस्ट में तीन कंटेंट आ गए हैं। ये आई अलग हो गया है, लव अलग हो गया है, पाइथन अलग हो गया है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ये जितने स्पेसेस मिल रहे थे उस स्पेसेस के अकॉर्डिंग जो है वो स्प्लिट कर दिया। अगर आपको चाहिए कि नहीं कोई पर्टिकुलर एक लेटर के बाद आपको ये स्प्लिट करना है, ठीक ना, तो आप वो भी काम यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिख दो अपने स्ट्रिंग को आई लव पाइथन, और सिंपली क्या करना है, डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करना है, और आपको बताना है कि किस जगह से आपको वो ब्रेक करना है। ठीक है, तो ओ से ब्रेक करना है। ओके, तो यहाँ से जब हम ओ का यूज करेंगे तो यहाँ पे आई एल ओ एक साइड हो जाएगा, आई एल ओ नहीं सॉरी आई एल एक जगह हो जाएगा, ओ तो स्प्लिट ही कर रहा है, वीई पी वाई टी एच ओ सॉरी ओ नहीं रहेगा, पी वाई टी एच एक जगह हो जाएगा, फिर ओ से स्प्लिट हो जाएगा और एन अलग हो जाएगा। तो ये देखो आई एल एक जगह हो गया, वीई पी वाई टी एच एक जगह हो गया और एन अलग हो गया, तो ये लिस्ट आपकी बन के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, यानी आपको अगर ये बोला जाए कि आप अपने स्ट्रिंग में से लिस्ट तैयार कर दीजिए, ठीक ना, एक पूरे स्ट्रिंग को लिस्ट में डाल दीजिए, तो आप ये काम इजिली कर सकते हैं स्प्लिट के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग का चल रहा है वो है पार्टीशन का। ओके, हम लोग पार्टीशन भी कर सकते हैं, तो ये भी काम ये करेगा इजिली। ओके, तो ये काम करने के लिए आपको कोई एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग्स डाल दो, है ना, तो आप कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हो, जैसे आई लव पाइथन प्रोग्राम, ओके, ये भी हो सकता है आई लव पाइथन प्रोग्राम, ये हमने लिखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे वेरिएबल में एक्स में हम इसको पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, पार्टीशन ये फंक्शन हो गया हमारा, और पार्टीशन जो है वो कहाँ से करनी है वो भी इनको बताना है। ठीक, तो पार्टीशन जब करते हैं तो उसमें एक सेपरेटर हमको एज अ स्ट्रिंग या कोई सेपरेटर अगर हो तो वो डालना होता है, और फिर जब आप उसको प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि वो जो है वो एक टपल लिस्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला जो हम लोग का स्प्लिट चल रहा था वो लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था, और ये वाले में जो है ये हमको एक टपल लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पाइथन डाल रहे हैं, इसको इन कोट्स में आना है। ठीक है, तो ये चीज हमने किया, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, किसको, एक्स को प्रिंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, आई लव ये पहला स्ट्रिंग हुआ, पाइथन जो कि यहाँ पे सेपरेटर बना हुआ था तो इसको पाइथन को दूसरा स्ट्रिंग बना लिया, और प्रोग्राम जो है उसको तीसरा स्ट्रिंग बना लिया। ठीक ना, तो आप देख रहे हो कि ये इसने भी किसी तरह से स्प्लिट का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है, लेकिन आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि
कि यहाँ पे जब स्प्लिट यूज़ किया गया तो ये बिग ब्रैकेट के साथ आया, और ये जो आया ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ आया। इन पाइथन ये जो बिग ब्रैकेट होता है ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ये टपल्स का कॉन्सेप्ट होता है। आगे इसके बारे में भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखो कि जब हम लोग स्प्लिट कर रहे थे और हमने सेपरेटर को यूज किया ओ, तो इसने ओ को हटा दिया, ठीक। इसके पहले आई और एल आ गया जो कि यहाँ है, ओ को इसने हटा दिया, फिर वी ई से स्टार्ट किया यहाँ पे, और फिर से ओ आने तक आपके स्ट्रिंग को बना के रखा, और ओ आते ही उसको सेपरेट कर दिया, फिर ओ को छोड़ करके इसने एन बनाया, ठीक है। तो इसने इस तरह से अपने स्ट्रिंग्स को तैयार किया। यहाँ पे पार्टीशन ने क्या किया, पार्टीशन को हमने एक सेपरेटर के रूप में पाइथन दिया है, ये पाइथन जो है वो इस जगह पे यूज़ किया गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आई लव जो है वो अलग चल रहा है, पाइथन एज अ सेपरेटर वर्ड्स ये अलग चल रहा है, यानी पाइथन जो सेपरेटर वर्ड जो है वो सेपरेटर वर्ड को भी साथ में यूज़ किया गया है, उसको छोड़ा नहीं गया, इसमें इसने ओ को छोड़ दिया है लेकिन इसने पाइथन को लिया है, ठीक है। और फिर प्रोग्राम ये अलग, तो ये टपल इसने क्रिएट किया। तो पार्टीशन और स्प्लिट में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप इजीली बता सकते हो कि स्प्लिट जो होता है वो लिस्ट तैयार करता है, वेयर एज पार्टीशन यूज्ड टपल्स, है ना। उसके बाद सेपरेटर्स वर्ड को स्प्लिट्स जो होते हैं वो हटा देते हैं, जबकि पाइथन जो है सॉरी पार्टीशन जो है वो उसको यूज करता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटे से प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपर केस लेटर को काउंट करेंगे, अल्फ़ाबेट्स को काउंट करेंगे, सिंबल्स को काउंट करेंगे, लोअर केस लेटर को काउंट करेंगे और डिजिट्स को काउंट करेंगे, ठीक। तो प्रोग्राम हमारा सिंपल है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमको क्या क्या करना है, हमको यहाँ काउंट करना है, ठीक। तो काउंटिंग करनी है हमको, किसकी काउंटिंग करनी है, काउंटिंग जो हमारा स्ट्रिंग होगा उसमें हम लोग काउंटिंग करेंगे अपर केस लेटर को, तो अपर केस, ओके ये हो गया। इसके बाद हम लोग अल्फाबेट्स को काउंट करेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम लोग सिंबल्स को भी काउंट करेंगे, तो सिंबल्स भी काउंट होगा। इसके बाद हम लोग लोअर केस लेटर को भी काउंट करेंगे, तो लोअर केस लेटर भी काउंट होगा, और साथ में हम लोग डिजिट्स को भी काउंट करेंगे, तो डिजिट्स भी हमारा काउंट होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग इतना सारा काम करेंगे, ठीक है। तो हम एक इनपुट लेंगे, लाइन इक्वल टू इनपुट, ये इनपुट यूज़र देगा, ठीक। इसमें एक मैसेज दे देते हैं कि एंटर अ लाइन, ये काम यूज़र कर लेगा, एंटर अ लाइन, ठीक, ये यूज़र के ऊपर छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं, तो हम लोग लोअर काउंट के लिए एल सी लेते हैं, इक्वल टू अपर काउंट के लिए यू सी लेते हैं, ओके, और जो डिजिट काउंट होगा उसके लिए डी सी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अल्फ़ा काउंट है तो उसके लिए हम लोग ए सी लेंगे, ठीक। उसके बाद सिंबल काउंट है तो उसके लिए एस सी लेंगे, ओके, और इन सारे वेरिएबल्स को हम रखेंगे जीरो। तो ये मल्टीपल असाइन हो गई, और हम लोग इस तरह से एक मल्टीपल असाइनमेंट कर दिए, एल सी फॉर लोअर काउंट, यू सी फॉर अपर काउंट, डी सी फॉर डिजिट काउंट, ए सी फॉर अल्फ़ाबेट काउंट, और एस सी फॉर सिंबल काउंट, ओके। तो ये भी काम हमारा हो गया। अब हम यहाँ से एक लूप चलाएंगे फॉर ए, क्या करना है हमको, ए को इस जो लाइन वेरिएबल है जिसमें यूज़र वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग चलाना है, जब तक ए उसके अंदर रहे तब तक, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़ ए डॉट, अब हमको क्या करना है, हमको अपने सिंपल कुछ फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को हमको यूज़ करना है, ठीक। तो ये सारे फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इज लोअर फंक्शन चलाने हैं, इज लोअर फंक्शन हम चलाएंगे, ठीक है। तो इज लोअर फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है वैल्यू किसकी, लोअर फंक्शंस की, ठीक ना। तो जो भी लोअर है, अगर लोअर इसको मिलता है तो हम क्या करेंगे, एल सी को
प्लस वन कर देंगे, ठीक है। एलसी की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर जीरो रखी हुई है, वो अगर आती है तो हम इसको प्लस वन कर देंगे सिंपली, ठीक है। ये काम हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिफ लेते हैं, ठीक है। एलिफ जो है उसके बाद हम लोग ए डॉट कर लेंगे। तो इज लोअर तो हो गया, सिंपली है इज अपर को भी चेक कर लिया जाएगा। इज अपर फंक्शन अगर इसको मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल क्या करना है हमको, अपर है तो अपर केस वाला यानी यूसी, इसको प्लस वन कर देंगे, ठीक। अगर हमको ये चीज मिल जाती है तो ठीक। इसके आगे क्या करते हैं, हमारे पास दूसरा केस भी चलेगा, एलिफ करते हैं। और एलिफ में हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट, अब यहाँ पे इज अपर की जगह अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इज डिजिट कर सकते हैं ना, डिजिट को भी काउंट करना था तो डिजिट को भी वो चेक कर लेगा कि कितने डिजिट्स मिल रहे हैं। जब डिजिट्स मिलेंगे इसको तो क्या होगा, जो डीसी है हमारा वो प्लस वन हो जाए, ठीक ना, तो वो भी प्लस वन हो जाएगा। ये भी हमारा काम हो गया। इसके बाद सिंपली आगे चलते हैं, और भी एक दो फंक्शंस बचे हुए हैं तो इनको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक ना। डिजिट काउंट भी हमारा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इज अल्फा है ना, अगर अल्फा इसको मिलता है, ठीक, ALPHA, ठीक है। तो ये चीज अगर इसको मिलती है तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। और जब इज अल्फा होगा तो क्या चेक करना होगा, किसको बढ़ाना होगा हमको, AC को बढ़ाना होगा। तो AC प्लस इक्वल टू वन, ये भी करके देख लिया। अब एक और ऑप्शन बचता है एलिफ। तो सिंपल प्रोग्राम था, कोई खास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी, बस हमको फंक्शंस मालूम होने चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस जगह पे यूज होना है। तो ये वाली चीज अगर हमारी हो जाती है तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो भी हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी है, ओके। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे अब यहाँ चेक करना है एलनम को। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब हम लोग सिंबल्स को काउंट करेंगे ना, तो सिंबल्स को काउंट करने के लिए हमको यहाँ पे चेक करना होगा इज एलनम, ठीक है। तो इज लगाना भूल गए, एलनम फंक्शन जो है ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को चेक करता है, और हमको ना तो अल्फाबेट चाहिए ना तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, है ना। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको चेक करना है कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ना मिले, ठीक। तो नहीं मिलने वाला केस जो होता है वो ये होता है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक। अब ये चेक करते हैं कि अगर ये ट्रू है, ठीक, ट्रू है, पहले तो ये अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन है तो ये क्या करेगा, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को खोजेगा। अगर इसको अल्फा न्यूमेरिक मिलेगा तो उसको बोलेगा कि हाँ ट्रू है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इज नॉट इक्वल टू ट्रू। तो इज नॉट इक्वल टू ट्रू मतलब क्या है कि जब तक इसको अल्फाबेट मिलेगा और नंबर्स मिलेंगे तो ये उसको उस पर काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इज नॉट इक्वल टू कर दिए ना, तो इज नॉट इक्वल टू ट्रू पे लगा दिए। तो एक केस ये बन गया कि जब तक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ना मिले, यानी अल्फाबेट भी ना मिले, नंबर्स भी ना मिले। अब ऐसे वाले टाइम में हमको सिंबल्स मिलता है या तो स्पेस मिलता है। अच्छा, स्पेस को भी हमको नहीं लेना है, हमको तो सिर्फ सिंबल्स को काउंट करने हैं ना। तो हमको एक और केस यहाँ पे लगाना होगा कि जब एंड कर देंगे, ठीक है, एंड को ऑपरेटर यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू स्पेस, है ना। तो स्पेस को भी हम यहाँ काउंट कर देंगे, ठीक। तो एक स्पेस जो है वो भी हमने लगा दिया कि भाई ए को चेक कर लो कि ए के अंदर स्पेस तो ना है, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू का केस यहाँ पे चल रहा है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो सिंबल्स वाला था SC, इसको हम लोग प्लस इक्वल टू वन कर लेंगे, ठीक। अब इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पे मिल गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम प्रिंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट लगाने के लिए हम अपने प्रोग्राम में एकदम इधर पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऊपर एक और, यहाँ पे एक और वर्ड्स था जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। अच्छा नहीं, हो गया है, हाँ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया काम। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ प्रिंट पे चलते हैं। तो जब हम प्रिंट लगाएंगे तो प्रिंट में, अब चूंकि हमको इतने सारे मिल चुके हैं, है ना, तो हमको बस प्रिंटिंग प्रिंटिंग लेनी है ना। तो कोई खास यहाँ पे काम नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे कि नंबर जो है वो अपर केस में है क्या, ठीक है। नंबर ऑफ अपर केस लेटर, ठीक। तो ये चीज हमको मिल गई, नंबर ऑफ अपर केस लेटर, ये चीज हमको मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे एक कॉमा लगाएंगे और
अपर केस लेटर के लिए हमको कौन सा अल्फाबेट हम लोगों ने यूज़ किया था, यूसी को यूज़ किया था, ठीक है, तो हम यूसी को प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा यूसी प्रिंट हो गया। ओके, तो ये एक काम हो गया, ठीक। अब हम इतनी चीज़ जो है वो कॉपी कर ले रहे हैं, ये पूरा ही कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक, ये पूरा ही कॉपी कर लेंगे, जिसको इजिली पेस्ट करने पे हमको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, और हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे ना, अपर केस लेटर की जगह हम लोग क्या कर लेंगे अब यहाँ पे लोअर केस लेटर, तो लोअर केस लेटर हो गया, तो यहाँ पे एलसी को प्रिंट करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, अब हमको अपर केस लोअर केस तो हम लोगों ने कर लिया, अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक ना, तो अल्फ़ाबेट्स को भी यहाँ पे लिख देंगे, अल्फ़ाबेट्स, ठीक। तो अल्फ़ाबेट्स के लिए हम लोगों ने एसी वर्ड यूज़ किया था, तो ये भी हो गया। फिर हम लोग यहाँ से वापस आते हैं, अब यहाँ से अपर केस अल्फ़ाबेट्स को हटा देंगे, अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग डिजिट्स में जाएंगे ना, तो ये डिजिट्स हो गए, ठीक। अब यहाँ से डीसी यूज़ करेंगे, ठीक ना, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम यहाँ से फिर वापस से प्रिंट में आएंगे, ठीक। अब यहाँ से सिंबल्स बचा है ना, तो सिंबल्स कर लेते हैं, ठीक, ये सिंबल्स हो गए, सिंबल्स के लिए एससी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक। अब आई थिंक कि हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट, है ना। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, देखो दे रहा है एंटर अ लाइन, और लाइन जो है वो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हेलो दिस इज अ स्ट्रिंग प्रोग्राम, ठीक, ये चीज़ हो गया। और सिंबल जो है वो हम लोगों ने यूज़ किया क्या, ठीक है, तो बीच में कोई सिंबल्स भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे हेलो हो गया, ठीक है। अब इसको एंटर करते हैं, और आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अपर केस लेटर जो है वो कितना है, वो वन है, ठीक, एच, सिर्फ एच कैपिटल आया है, ठीक ना, तो ये वन हो गया। नंबर ऑफ लोअर केस लेटर है तो ये 23, अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे 23 आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स में ये ज़ीरो दिखा रहा है, जो कि गड़बड़ है। नंबर ऑफ डिजिट्स तो ठीक है, यहाँ पे तो ज़ीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, ठीक है। और नंबर ऑफ सिंबल्स जो है ये टू दिखा रहा है, तो भाई एक कॉमा है और एक यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो सिंबल दो हो गए हमारे जिस पे ये काम कर रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्फाबेट्स वाले के साथ ही इसको क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक, तो ये भी थोड़ा सा देख लिया जाए। ए डॉट इज अल्फा इज अल्फा, ये सही तो दिख रहा है, और ए सी प्लस वन चलिए कोई नहीं, इस प्रोग्राम में अल्फा को हम लोग बाद में भी यूज करके देख लेंगे, ठीक है। अल्फा के लिए हम लोग अलग से प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं, ठीक। तो अभी के लिए प्रोग्राम जो है वो हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोग इसको देख नहीं पाओगे। ओके, चलिए।